नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी पीली मूसली के बारे में। ये स्थावर है, इसको पीली मूसली भी कहते हैं। ये अश्वगंधा है, ये हर पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसके बहुत लाभ हैं। आप स्थावर और अश्वगंधा दोनों को धूप में सुखाकर मिक्सी में पीसकर रख लीजिए। इसका एक चुटकी चूर्ण हर रोज़ दूध के साथ या पानी के साथ लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। औरतों के लिए तो रामबाण है ये दवाई। और 50 साल की उम्र के बाद हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बायगठिया हो जाता है। जिनको बायगठिया हो जाता है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये अश्वगंधा जो है ये बालों को काला करती है, घुटनों के दर्द को ठीक करती है, टांगों के दर्द को ठीक करती है, साइटिका के दर्द को ठीक करती है और हड्डियां मजबूत बनाती है। औरतों को जो सफ़ेद पानी की लिकोरिया की शिकायत होती है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और शुगर को कंट्रोल करती है। मैं आपको पहले भी वीडियो बनाकर बता चुकी हूँ कि आप इसका सेवन ज़रूर कीजिए। ये आयुर्वेदिक दवाई है, ये आपको हर पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, अश्वगंधा और पीली मूसली, इसको स्थावर भी कहते हैं। ये आप बाज़ार से ले आइए, 20-20 ग्राम ला करके इनको पीस कर और किसी डब्बी में भर कर रख लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर रोज़ एक चुटकी पानी के साथ या दूध के साथ लीजिए, इससे आपको ना तो हड्डियां कमज़ोर होंगी और ना चलने फिरने में और घुटनों में भी दर्द नहीं होगा। जिनको घुटनों में दर्द रहता है, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर भेज सकें। धन्यवाद।